सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आज का वीडियो शॉर्ट एंड स्वीट टू द पॉइंट होने वाला है। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। यहाँ पर सबसे पहले आपको एक चीज़ बताऊं तो 12 फरवरी 2020 को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम ने अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट से अपना लोगो है वो हटा दिया था, और साथ ही में इंस्टाग्राम से सारी पोस्ट उन्होंने डिलीट कर दी थी। तो इसके ऊपर अपडेट ये आ रही थी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम अपना नाम, लोगो और जर्सी बदलने वाली है। तो तीनों अपडेट आपको देने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं नाम की। तो नाम में चेंज अभी तक तो नहीं करा गया है, और ऑब्वियसली लोगो अनाउंस हो चुका है। लोगो में भी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ही लिखा गया है, तो नाम में चेंज नहीं है। बेंगलोर का बेंगलुरु नहीं हुआ है और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ही टीम का नाम रहने वाला है। इसके बाद बढ़ते हैं हम लोगों की तरफ। तो लोगों की आप फोटो अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। लोगों के ऊपर मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूं, तो वो देखना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। अभी आपको शॉर्ट एंड स्वीट में बता रहा हूं ये लोगो है, और ये भी काफी अच्छा लोगो दिख रहा है। नॉर्मल टिपिकल वही लोगो है जो पिछले सीजन था। थोड़े बहुत हल्के फुल्के चेंजेस किए गए हैं, और साथ ही में एक बहुत बढ़िया चीज बताऊं तो यहां पर आप देखते हो लोगो में तो जो लायन है उसके पर क्राउन बना हुआ है, तो ये भी बहुत सही है। इसके बाद अब बढ़ते हैं जर्सी की तरफ। तो 3, 2, 1, go, ये रही जर्सी। आपकी स्क्रीन पर जर्सी नजर आ रही होगी। जर्सी के बारे में आपको एक बार ढंग से एक्सप्लेन कर दूं तो यहां पर आप जर्सी में सबसे पहले तो भाई स्पॉन्सर्स में चेंज देख सकते हो। जो इनका टाइटल स्पॉन्सर व्रॉन था, अब उसकी जगह आप मुथुट फिनक्रॉप लिखा हुआ दिख सकता है। इसके बाद जो चेस्ट वाला पार्ट है ऊपर, वहां पर ऑब्वियसली एक नया लोगो लगा है वो तो है, और जो दूसरा तरफ है वहां पर आपको टीवीएस यूरो ग्रिप की स्पॉन्सरशिप देखने को मिल जाएगी, और जो राइट वाला हैंड है वहां पर एक्साइड लिखा हुआ है। तो ये स्पॉन्सरशिप चेंजेस हुए हैं। इसके बाद बात करें तो आप नीचे की तरफ आते हो तो नीचे आपको वही टिपिकल आरसीबी की जर्सी मिलती है, ब्लैक और जो रेड कलर है उसी का कॉम्बिनेशन है। साथ ही में एक चीज और नहीं है, जो नीचे आप स्टमक वाला पार्ट है वहां पर जो रेड कलर है वहां पर थोड़े बहुत फेडेड शेड्स में आपको वो लायन बना हुआ दिख जाएगा, और उसने भी क्राउन पहना हुआ है। तो ये नया कुछ ऐड हुआ है आरसीबी की जर्सी में। इसके बाद बात करें तो जो साइड वाले पार्ट होते हैं वहां पर भी आपको ब्लैक कलर के पैटर्न्स देखने को मिलेंगे, जो काफी अच्छा दिख रहा है, और ये भी नया ऐड हुआ है। और एक मतलब नॉर्मल चीज, जो एक गोल्डन कलर की स्ट्रिप है वो ऐड करी गई है हर जगह। जो रेड कलर और ब्लैक कलर है जहां पर सेपरेशन हो रहा है वहां पर भी एक गोल्डन कलर की स्ट्रिप है। इसके बाद जो आइड साइड में पैटर्न्स दिए गए हैं ब्लैक कलर के, वहां पर भी गोल्डन कलर की स्ट्रिप है। आप हाथ में देखते हो तो जहां पर जर्सी खत्म हो रही है वहां पर भी गोल्डन कलर की स्ट्रिप दी गई है, और नेक वाले पोर्शन में भी आपको गोल्डन कलर देखने को मिल जाएगा। सो ये जर्सी है जो अनाउंस हो चुकी है। इसके बाद और भाई, ये वीडियो मैं जिस टाइम बना रहा हूं उस टाइम भी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ और डाला है, वेट वी आर स्टिल नॉट डन। तो भाई अब पता नहीं क्या अपडेट आने वाली है, जैसे ही अपडेट आएगी तो भाई आपको बता दी जाएगी। देखते हैं अब क्या अपडेट आती है। यहां पर लिखा तो है दैट्स राइट सिट टाइट बेंगलुरु, अगर आप कैप्शन पढ़ते हो तो मे भी हो सकता है बेंगलोर का बेंगलुरु कैसे होगा, क्योंकि जर्सी अनाउंस हो चुकी है, आपने लोगो भी अनाउंस कर दिया है, तो अब बेंगलोर का बेंगलुरु करेंगे भाई, कैसा क्या होने वाला है अब देखते हैं। मेरी तरफ से आज की यही वीडियो थी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर देना। मिलूंगा आपसे अगले ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।